What is up YouTube, welcome back to KSF Academy, आपके अपने आम रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। यहाँ पे हम आपको आम रेसलिंग में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। हम लोग 10K के बहुत पास आ चुके हैं, कुछ 30 सब्सक्राइबर बाकी है, सो प्लीज आप लोग जाओ या सब्सक्राइब कर दो उसे और 10K को हमको जल्दी से पहुंचा दो, वी कांट वेट। बट एक और चीज कि 10K आने पे हम लोग एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखने वाले हैं, जिसमें आप हमसे आम रेसलिंग से रिलेटेड, हम लोग की राइव से रिलेटेड, करण obviously if you guys know मैं करण हूँ, सौरव है the other guy who comes on this channel, so हम लोग से related कुछ भी अगर आपको पूछना आप comment करें। एंड हम लोग उसका आंसर करेंगे एक वीडियो बना के प्रॉपरली, सो प्लीज कमेंट करिएगा। एंड अभी एक ऐसा बैंगर सॉन्ग आ चुका है डेवॉन लैरेट के थ्रू, जिससे लेवान की रूह तक कांप जाएगी उसे सुन के, आई गेस। सो डेवॉन लैरेट ने एक सॉन्ग गाया, हम इस वीडियो में उस सॉन्ग पे क्या बात करने वाले हैं कि मैं उस सॉन्ग में क्या मीनिंग लिखा हुआ है, उस सॉन्ग के क्या मीनिंग्स है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। आई फील मोर लाइक रोहन करियापा नाउ। सो सॉन्ग के कुछ लिरिक्स थे, जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था जिसका मैं आपको मतलब बताऊंगा। मैं पूरा नीचे, जब मेरी हिप नीचे बैठ जाएगी एंड मैं प्रॉपर हाथ फैल जाएगा, दैट मींस ही वाज सेइंग कि मैं किंग्स मूव में जब आऊंगा तो मेरी रिस्ट के स्ट्रेंथ से लेवान डर जाएंगे। ये पहला एक स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने इराकली के साथ में कहा कि ओह ये माय रिस्ट कॉज लेवान अ लिटिल फियर अप एट नाइट ही शेड्स अ टियर इराकली सेस इट्स बेड टाइम। उस रात में जब आप हारोगे तो उस दिन इराकली आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाने वाला है, आपके आंख से आंसू आने वाला है। ये स्टेटमेंट था। और जो थर्ड स्टेटमेंट था, दैट वाज लाइक अ बीफ, लाइक लिटरली एक बीफ गेनाडी के अगेंस्ट में। गेनाडी को मैच ही नहीं मिला मेरे अगेंस्ट में एंड गेनाडी भी रो रहा है, ऐसा उनके तीन स्टेटमेंट्स है। एक और जो फनी पार्ट मुझे उस वीडियो में लगा था कि उसमें व्हेन ही वाज अबाउट टू गिव दैट इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू देने आए थे तो उनको इंटरव्यूअर ने पूछा था डू यू नो विस्परर, एंड वो बस बताने जा रहे थे कि मैं वो मेरे कैटेगरी का था, तो वो बोलते हाँ तुम नहीं हरा पाओगे ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। दैट वाज वेरी फनी। सो ये एक वीडियो था। अलोंग विद दैट डेवॉन लैरेट का मैं एक आपको अच्छा अपडेट देना चाहूंगा कि वो काफी लंबे समय से स्टेम सेल पे थे। जब उन्होंने फर्स्ट स्टेम सेल भी करवाया था हमने इस चैनल पे, तभी से हमने वीडियोस डालना भी चालू किया था, तो उनको 1.5 से 2 साल हो चुके हैं स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराते हुए। उनको कुछ इश्यूज हो गए थे अपने उनके आर्म्स में, आर्थराइटिस जैसा। आर्थराइटिस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ एजिंग साइनोवियल फ्लूइड बोन्स के बीच में कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स आपस में टकराते हैं और पेन होता है। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी हीलिंग प्रोसेस उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनको ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट लेना जरूरी पड़ गया है। एंड आज उन्होंने अपना MRI और अल्ट्रासाउंड, जो उनका कुछ तो इशू हुआ है जिसमें उन्होंने अल्ट्रासाउंड दिखा के MRI बताया कि मेरा MRI है, जिस पे बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि दैट इज नॉट MRI, दैट इज अल्ट्रासाउंड। तो वो तो ठीक बात है, बट उन्होंने उसमें ओवरऑल ये कहा कि मैं 100% रिलीफ में आ चुका हूँ, 100% मैं हील हो चुका हूँ। और एक आम रेसलर जिसको हमेशा उनको 1.5-2 साल से ये दिक्कत थी, स्टिल वो रोज बैटल करते थे, रोज प्रैक्टिस करते थे, सो एक जेन्युइन स्पोर्ट्समैनशिप, एक असली एथलीट का वो कैरेक्टरिस्ट होते हैं, और वो डेवॉन लैरेट ने दिखाया था। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि उनका वो आर्म हील हो चुका है पूरी तरह से। तो अब जब वो लेवान के अगेंस्ट में आएंगे तो वो एक प्रॉपर हील्ड डेवॉन लैरेट होके आएंगे। एंड उस बात पे आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। हमारे 10K होने वाले हैं, प्लीज कमेंट करिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको देंगे। फिर मिलेंगे कोई नए इन्फॉर्मेशन में, कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। Now I got a chance to wear the crown, I dropped my hips down to the ground, pronated at the right time, oh yeah.